चलिए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस। कश्मीर के शोपियां में टारगेट किलिंग ग्रेनेड हमले में यूपी के दो मजदूरों की मौत, पुलिस ने आतंकवादी को किया गिरफ्तार। सीएम योगी ने राज्य कर्मचारियों पेंशनरों को दिया दीपावली का तोहफा, कर्मचारियों को मिलेगा 6,908 रुपए बोनस और 38% महंगाई भत्ता, करीब 15 लाख कर्मियों को मिलेगा बोनस। हिमाचल में बीजेपी की टिकटों पर फंसा पैच, इलेक्शन कमेटी की 10 घंटे चली मीटिंग, धूमल समर्थक पहुंचे दिल्ली, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग कल। सिसोदिया से 9 घंटे चली सीबीआई की पूछताछ, आप छोड़ने के लिए डाला गया दबाव, सीबीआई ने आरोपों से किया इनकार। और 5 राज्यों के 40 ठिकानों पर एनआईए का छापा, टेररिस्ट स्मगलर्स और गैंगस्टर्स पर एक्शन, पटना में गजवाए हिंद से जुड़े दानिश के घर रेड।